नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टारू तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव रंजन टीजीटी पीजीटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उसी से संबंधित दूसरा लेक्चर है जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। तो अगर पिछले लेक्चर की बात की जाए तो मैंने आपको तापमान पढ़ाना स्टार्ट किया था और तापमान के बारे में मैंने ये बताया था कि तापमान क्या है, एक अंकीय मान होता है। तापमान क्या है, एक अंकीय मान होता है। और ताप क्या है, ताप एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी ऊष्मा है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, अगर हमने किसी वस्तु को छुआ तो वह ठंडी लगती है तो हम कहेंगे इसका टेम्परेचर कम है, और यदि वही वस्तु हमें गर्म लगती है तो हम कहते हैं इसका टेम्परेचर अधिक है। ए गर्म या ठंडा यानी शीतलता या उष्णता, यह निर्धारित करती है सूर्य तप की प्राप्ति। अगर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमें अधिक मात्रा में हो रही है और जितनी हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसका हम यदि अवशोषण कर लेते हैं यानी उसको ग्रहण कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस वस्तु ने इस ऊष्मा को या इस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। और यदि कोई वस्तु इस ऊष्मा को या इस ऊर्जा को परावर्तित कर देती है, लौटा देती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वहां का तापमान क्या होगा, कम पाया जाएगा। यही सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। परावर्तन हमेशा चिकनी सतह, सफेद रंग और साफ सतह का अधिक होता है, जबकि अवशोषण जो है वो काले रंग, खुरदुरी सतह और गंदी सतह का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा। ठीक ना, परावर्तन जहां पर होगा वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अवशोषण जहां पर होगा वहां का टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक ना, उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था, उसी क्रम में हमने ये भी बताया था कि ये सूर्य है और इसके मध्य में एक आपतन कोण भी बनता है। आपतन कोण क्या होता है, सूर्य की किरण यानी सौर किरण और पृथ्वी की सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन का कोण कहा जाता है। जैसे जैसे हम 0 डिग्री यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो सूर्य है इसकी किरण तिरछी होती जाएंगी, और जैसे जैसे इनकी किरण तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे हमें सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी, और जब सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होगा। तो 0 डिग्री अक्षांश पर यहां पर किरणें लंबवत पड़ती हैं और सीधी किरणें पड़ने के कारण यहां का टेम्परेचर अधिक होता है, जबकि 90 डिग्री चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, यानी उत्तर ध्रुव हो या दक्षिण ध्रुव हो, यहां पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण ही यहां पर सूर्य तप की प्राप्ति कम होगी, परिणाम स्वरूप यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, तो यहां पर टेम्परेचर कम पाया जाएगा। ठीक ना, इतनी बात हमारी हुई थी। साथ ही साथ हमने भी बताया था, आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अक्षांशीय रेखा का जो मान होगा यानी अक्षांशीय स्थिति का मान, उसका विपरीत संबंध होता है टेम्परेचर से। यानी यदि अक्षांशीय स्थिति जो है, अक्षांश रेखा का मान जो है वो यदि अधिक होगा तो टेम्परेचर कम होगा। अब 0 और 90 में अगर बात की जाए तो 90 का मान अधिक है और 0 का मान कम है, तो 90 यदि अक्षांश रेखा का मान अधिक है तो तापमान परिणाम स्वरूप यहां पर कम हो जाएगा, और अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा का मान कम है तो यहां पर तापमान अधिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं जो आपको हमने समझाई थी। अब समझिएगा, यदि तापमान अक्षांश रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी यदि तापमान को प्रभावित करने वाला एकमात्र फैक्टर अक्षांश रेखा होता, तब तो कई सारी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जिसकी हम शायद कल्पना अभी भी नहीं कर सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं इसी को कि अगर अक्षांश टेम्परेचर को निर्धारित करता है तो यहां पर देखिएगा, भारत का भूगोल है, भारत का मानचित्र है, भारतीय भूगोल के अंतर्गत यहां पर एक आपको शहर का नाम ले रहा हूं, राजस्थान। यहां पर गुवाहाटी है, असम का क्षेत्र है, और इस प्रकार हम इस प्रकार से एक लाइन यहां पर खींच दे रहे हैं, एक अक्षांश रेखा हो गई। यहां पर जैसलमेर है और यहां पर गुवाहाटी है। गुवाहाटी और जैसलमेर लगभग एक ही अक्षांश स्थिति पर स्थित हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुवाहाटी और आपका जैसलमेर एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। यदि एक ही अक्षांश रेखा पर दोनों स्थित हैं तो दोनों स्थानों का तापमान क्या होना चाहिए, दोनों स्थानों का तापमान एक समान होना चाहिए। तापमान चाहे आपका गुवाहाटी हो या फिर आपका जैसलमेर हो
यहां का टेम्परेचर यदि एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है तो यहां का तापमान क्या होना चाहिए, हमेशा एक समान रहना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि जैसलमेर का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है, जबकि गुवाहाटी का टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अक्षांश रेखा एकमात्र फैक्टर, एकमात्र कारक नहीं है जो तापमान को निर्धारित कर सके, इसके अलावा भी अन्य कई सारे फैक्टर हैं। तो अन्य कई सारे फैक्टरों में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कल मैंने आपको छोड़ा था तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमारी अक्षांश की आपसे बात हो गई थी। आज दूसरी बात होनी है समुद्र तल से ऊंचाई, और इसी आधार पर जैसलमेर और गुवाहाटी वाला जो प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आईएएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गुवाहाटी और जैसलमेर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी दोनों की जलवायु विशेषताएं या दोनों की मौसमी विशेषताएं डिफरेंट पाई जाती हैं, जिसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो आपको बताना था, तो कारण अभी आपको पता चल जाएगा। दूसरा फैक्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तापमान को प्रभावित करने वाला, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा फैक्टर जो हमारा है वह है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक ना, देखिएगा ठीक ना, देखिएगा हमारी बात समझिएगा। यहां पर भी मान लीजिएगा, यहां पर भी पानी है, जल है यहां पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे, जिस प्रकार या जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल में क्या आती है, कमी आती है। तो हाइट बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में कमी आती है, और साथ ही साथ हाइट बढ़ने के साथ साथ जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं उनकी जो सघनता है या उनकी जो सांद्रता है, उस सांद्रता में भी क्या आती है, कमी आती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गैसों की सघनता में, गैसों की सघनता में क्या आती है, सघनता में कमी आती है। हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गैसों की सघनता में कमी आती है, या गैसों की जो विरलता है, गैसों की विरलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर इसीलिए लेकर जाते हैं क्योंकि ऊपर इतनी विरल वायु होती है, इतनी विरल वायु होती है, और वायु में ऑक्सीजन भी पाई जाएगी, तो इतनी विरल वायु होती है कि पर्याप्त मात्रा में श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो हमें कहीं ना कहीं सांस लेने में समस्या आएगी, हमारा दम घुटने लगेगा, हमारी परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैसों की सघनता में कमी आएगी, या कह सकते हैं विरलता में वृद्धि होगी, विरलता में वृद्धि होती है। तो लगभग 165 मीटर, लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर आप लगभग, लगभग यहां से समुद्र तल से लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है, और वह टेम्परेचर की कमी है लगभग एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, कमी आती है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, और टेम्परेचर में कितनी कमी आती है, तो एक डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है 165 मीटर की ऊंचाई पर। और लगभग एक किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जो कमी आ जाती है वो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की आ जाती है। मतलब एक किलोमीटर यदि आप ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहां से, तल से, कहां से, तल से। और यही कारण है कि गर्मियों में आमतौर पर लोग बाग कहां जाना पसंद करते हैं, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों पर, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या है, कम है। और सर्दियों के समय में पहाड़ी के लोग या पर्वतीय क्षेत्र के लोग कहां पर आते हैं, मैदानी क्षेत्र की ओर आते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र,
तो मैदानी क्षेत्र का जो तापमान होगा वो अधिक होगा, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों का जो तापमान होगा वो अपेक्षाकृत क्या होगा, वो कम होगा। अब देखिएगा जो मैंने प्रश्न दिया था जैसलमेर और गुवाहाटी वाला, जैसलमेर की अगर स्थिति देखते हैं तो जैसलमेर मैदानी क्षेत्र में स्थित है, मैदानी क्षेत्र में स्थित है, और मैदान जो है वो समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और पहाड़ या पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। तो गुवाहाटी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, गुवाहाटी पर्वतीय क्षेत्र पर स्थित है, जबकि जैसलमेर मैदानी क्षेत्र पर स्थित है। तो जैसलमेर मैदानी क्षेत्र पर स्थित होने के कारण यहां का टेम्परेचर अधिक होगा, और गुवाहाटी जो कि पर्वतीय क्षेत्र पर है इसलिए यहां का टेम्परेचर क्या होगा, अपेक्षाकृत इसकी अपेक्षा यहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि आमतौर पर जो जनजातियां हैं, यही कॉन्सेप्ट आपका जनजातियों में, देखिएगा ये मूलभूत अवधारणा है, इसको हम अगर अपने थंबनेल में अगर हम ऐसा लिखते हैं भूगोल की मूलभूत अवधारणाएं तो यही हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुछ ऐसी जनजातियां हैं जैसे बकरबाल है, गुज्जर जनजाति है, जौनसारी जनजाति है, गुज्जर हो गया, बकरबाल हो गया, ठीक ना, ये जनजातियां जो होती हैं वो ऊंचे स्थानों पर रहती हैं, और सर्दियों में ये क्या होती हैं, सर्दियों में निचले स्थानों पर आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में ऊपर बर्फबारी होने लगती है पर्वतीय क्षेत्रों पर, बहुत कम टेम्परेचर होने कारण, इसलिए बर्फबारी से बचने के लिए कहां पर आ जाती हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ जाती हैं, और जैसी बर्फबारी खत्म हो जाती है यानी गर्मी का मौसम आता है तो यहां पर इनकी त्वचा गर्मी को नहीं सहन कर पाती है, तो यह फिर से कहां चले जाते हैं, ऊंचे वाले स्थानों की ओर चले जाते हैं। बोलिएगा इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा यहां से जो गैसों की सघनता का कंसेप्ट आपको बताए थे, यही कंसेप्ट आपका वायुमंडल दाब में इस्तेमाल किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम यहां पर देख लें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बराबर एफ अपॉन ए, ए प्रेशर यानी दाब का एक फॉर्मूला होता है। यहां पर पी का मतलब प्रेशर है, एफ का मतलब फोर्स है, और ए का मतलब क्या होता है, एरिया। हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे या इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब हमें बल नहीं पढ़ना है बल्कि हमें वायुमंडलीय दबाव पढ़ना है, या हमें दाब ना पढ़ के वायुमंडलीय दाब पढ़ना है। तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा या वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जैसे जैसे गैसों की सघनता में कमी आएगी, गैसों की सघनता में अगर एरिया को हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो पी समानुपाती हो जाता है एफ का, पी समानुपाती हो जाता है एफ का, यानी जब गैसों की मात्रा अधिक होगी तो अधिक मात्रा में बल लगाएंगी, और जब गैसों की मात्रा कम होगी तो कम मात्रा में बल लगाएंगी। तो यदि ऊंचाई पर जाने पर गैसों की सघनता में कमी आ रही है यानी विरलता है, गैसें दूर दूर हैं तो उनके अणु दूर दूर हैं, तो हम कहेंगे कि फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। यही कारण कि पर्वतीय क्षेत्रों का वायुमंडलीय दाब कम होता है, जबकि समुद्र की सतह पर या मैदानी क्षेत्रों पर वायुमंडलीय दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये मूलभूत अवधारणा है, इन्हीं मूलभूत अवधारणाओं को आपको पढ़ना है, ठीक ना। देखिएगा अगला, देखिए तो ये समुद्र तल से ऊंचाई एक फैक्टर था, अब इस फैक्टर के आगे अगला फैक्टर है हमारा, दो हो गए, अगला फैक्टर आता है हमारा स्थल एवं जल का प्रभाव, स्थल एवं जल का प्रभाव, इसको भी हम समझते हैं। तो तापमान को एक प्रभावित करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक माना जाता है वो माना जाता है स्थल एवं जल का प्रभाव, स्थल एवं जल का प्रभाव। तापमान जो हमने समझाया था वही हम कोशिश करेंगे कि वही अप्लाई हो जाए, ठीक ना। भारत के संदर्भ में देखते हैं, और जब भारत की जलवायु पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक ना। ये आपका बेस बन जाएगा यहां से, ये हमारा भारत है, और भारत के जो तीन ओर है, भारत के तीन ओर क्या है, जल पाया जाता है, भारत के तीनों क्या पाया जाता है, तो भारत के तीनों जल पाया जाता है, ठीक ना।
हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। अगर ग्रीष्म ऋतु की बात की जाती है तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो धरातल है, यहां पर ये धरातल है, ये धरातल क्या करेगा? धरातल ऊष्मा का अवशोषण करता है, ग्रहण करता है। ऊष्मा को क्या करता है? ऊष्मा को ये ग्रहण करता है। जबकि जल जो होता है, जल, जल के पास क्या होती है? जल की पारदर्शिता होती है, जल की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पारदर्शिता और विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही जल के पास जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती हैं, जल पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा और पारदर्शिता होने के कारण जल क्या होता है? गर्म होता है। और वो गर्म होने के बाद जलवाष्प के रूप में वाष्पीकरण की वहां से क्या हो जाती है? प्रक्रिया। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, वाष्पीकरण में भी ऊष्मा निकलती है। तो जब ऊष्मा पानी से बाहर निकल जाएगी, धरातल से जब ऊष्मा निकलती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। और जब जल से ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो किस फॉर्म में निकलेगी? वो निकलती है जलवाष्प के रूप में। और जलवाष्प के रूप में जब ऊष्मा बाहर निकलेगी जल से, तो उसी को हम नाम दे देंगे वाष्पीकरण हो रहा है। जैसे ही जल की सतह से ऊष्मा निकल जाएगी, अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, जल अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यहां पर जो जल है, जल है, जल यहां पर क्या होगा? यहां से ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण हो, सॉरी, ऊष्मा का यहां से क्या होगा? निष्कासन होगा। और यहां से अगर हम बात करें कि ऊष्मा का निष्कासन तो होगा, किस रूप में होगा? तो यहां से ऊष्मा का निष्कासन जलवाष्प के रूप में होगा। और जलवाष्प के रूप में यदि यहां से निष्कासन होगा, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? तो इस प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा वाष्पीकरण। अब देखिएगा, यहां से एक पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको केवल चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कैसे आपकी प्रवक्ता की परीक्षा में कैसे छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ के बड़ा सा एक पॉइंट बना देगा। आपसे पूछेगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, या शुरुआत में वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होती है तो क्या प्रभाव होता है। तो देखिएगा, वाष्पीकरण के पहले चरण में अगर हम बात करते हैं, तो पहले चरण में, वाष्पीकरण के पहले चरण में हमें अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए। मध्यवर्ती भाग में क्या होगा, या मध्यवर्ती चरण में क्या होगा? जब अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और अंतिम चरण में क्या होगा? अंतिम चरण में होगा यही जलवाष्प, जल जो यह पानी है, यही जलवाष्प के रूप में चला जाएगा। और जब यह जलवाष्प के रूप में चला जाएगा, अर्थात इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के बाद जल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जल का टेम्परेचर जब उससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर, जब अच्छी खासी धूप निकली हो, आप सुबह जाइए 10 बजे के लगभग, आप एक बाल्टी में पानी रख दीजिएगा, एक बाल्टी में पानी रख दीजिएगा 10 बजे के लगभग अपनी छत पर, और 12 या 1 2 बजे तक जाइएगा उस पानी में हाथ डाल के देखिए, बहुत ज्यादा गर्म दिखाई देगा आपको। और वही शाम के 4 बजे जाइएगा तो वही ठंडा लगने लगेगा। कब ठंडा लगेगा? ऊपर की परतें गर्म ही होंगी, लेकिन नीचे की परतें क्या हो गई होंगी? ठंडी हो गई होंगी, क्योंकि नीचे की परतों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होते होते ऊपर आ रही है, और ऊपर से भी वाष्पीकरण आगे बढ़ जाएगा। ठीक ना? तो अभी इसको इतना ही समझिएगा, वाष्पीकरण को इतनी चीजें अब समझिएगा। चूंकि धरातल ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, और मैंने आपको पिछली बार अपने लेक्चर में ये बताया था कि जो भी सतह ऊष्मा को ग्रहण करेगी उसका टेम्परेचर अधिक होगा, और जो भी सतह ऊष्मा को का निष्कासन करेगी, चाहे वो जल हो चाहे स्थल हो, तो जो सतह ऊष्मा का निष्कासन करेगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम होगा। यहां से आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो स्थल है, स्थल वो जल्दी से या शीघ्र ही जल्दी से गर्म होते हैं, जल्दी से क्या होते हैं? गर्म होते हैं, एवं जल्दी से ठंडे होते हैं या शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। यहां पर मैं कहने की बात ये है, कहने की बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में स्थल का टेम्परेचर अधिक होगा, और वहीं पर शीत ऋतु में, और वहीं पर शीत ऋतु में स्थल का जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर क्या होगा? अपेक्षाकृत कम होगा। मतलब जल्दी से गर्मियों में अधिक गर्म और ठंडियों में अधिक सर्दी, ठंडियों में अधिक सर्दी का मतलब है टेम्परेचर कम।
और जो जल होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी जल की अगर बात करेंगे तो इसी का विलोम लिखना है आपको। जल के बारे में लिखेंगे तो जल के बारे में ऐसा लिखेंगे हम कि जल जल्दी से क्या होता है, ठंडा होता है और जल्दी से क्या होता है, गर्म होता है। ठीक ना, या हम कह सकते हैं देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। हाँ, ये सेंटेंस सही रहेगा कि देर से क्या होता है, गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक ना, तो यदि एक ऐसा धरातल है जहां पर धरातल और पानी साथ में है तो यहां पर जो पानी है तटवर्ती क्षेत्रों का टेम्परेचर कम रहेगा, जबकि जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थलीय प्रभाव के कारण वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब अगर हम यहीं पर इंडियन ज्योग्राफी को यहां पर लिंक करें तो यहां पर एक मुंबई शहर है और यहां पर एक दिल्ली शहर है, तो दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों में अधिक गर्म रहता है जबकि सर्दियों में अधिक गर्म, का मतलब है कि दिल्ली का टेम्परेचर गर्मियों में अधिक रहता है जबकि सर्दियों में बहुत कम रहता है, जबकि मुंबई हमेशा एक समान यहां पर मौसम पाया जाता है, ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी। मौसम का भी अनुभव हम तापमान के आधार पर ही करते हैं, तो ना ज्यादा तापमान होता है सर्दियों गर्मियों में और ना कम तापमान होता है सर्दियों में, लगभग एक समान क्या पाया जाता है, एक समान मौसम पाया जाता है, एक समान क्या पाया जाता है, तो एक समान मौसम पाया जाता है। ठीक ना, तो ये भी एक तापमान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है, तापमान को प्रभावित करने वाला भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। ठीक ना, समझ गए। तो यहां पर ये बात हो गई हमारी, यानी स्थल एवं जल का प्रभाव। अब आता है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन किस प्रकार तापमान को प्रभावित करती है ये भी देख लीजिएगा। प्रचलित पवन, पवन देखा जाए तो तीन प्रकार की होती हैं, स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। स्थायी पवन होती है एक, मानसूनी पवन या मौसमी पवन, और एक होती स्थानीय। यानी स्थायी पवन का मतलब है परमानेंट विंड इंग्लिश में, जिनकी दिशा वर्ष भर एक समान हो, और मौसमी पवन सीजनल विंड, ऐसी पवन है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले। और फिर आता है एक स्थानीय पवन यानी लोकल विंड, ऐसी पवन है जिनका क्षेत्र निर्धारित हो, उनको क्या नाम दे दिया गया, उनको नाम दे दिया गया मानसूनी या मौसमी पवन है। तो पवन अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम अगर हवा की बात करते हैं तो इस हवा को हमने दो भागों में बांट लिया। यदि यह हवा क्षैतिज रूप से चलती है, यदि यह हवा क्षैतिज रूप से चलती है तो इसको नाम दिया जाता है विंड यानी पवन, और यदि यही हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है संवहन की प्रक्रिया के द्वारा, यह ऊपर की ओर उठती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है वायु। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है वायु। तो एक हो गया पवन और दूसरा क्या हो गया, तो दूसरा हो गया वायु। तो हमें यहां पर प्रचलित पवन की बात करनी है। पवन की अगर बात करते हैं तो पवन दो प्रकार की हो सकती हैं, एक गर्म और एक ठंडी। ऐसी पवन है जिनका टेम्परेचर अधिक होगा उन्हें गर्म पवन कहेंगे, और ऐसी पवन है जिनका टेम्परेचर कम होगा उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें ठंडी पवन कहेंगे। ऐसी पवन है जिनका टेम्परेचर अधिक होगा उन्हें गर्म पवन कहेंगे, और ऐसी पवन है जिनका टेम्परेचर कम होगा उन्हें कौन सी पवन कहेंगे, तो उनको एक नाम दे देंगे, और उनको क्या नाम दे दिया जाएगा, उनको नाम दे दिया जाएगा ठंडी पवन। तो गर्म पवन और ठंडी पवन, जहां पर भी ये गर्म पवनें होंगी, जहां पर भी ये गर्म पवनें होंगी वो उन क्षेत्रों का टेम्परेचर बढ़ा देंगी, और जहां पर ठंडी पवनें पाई जाएंगी उन क्षेत्रों का टेम्परेचर घटा देंगी। जैसे एक पवन में लिख रहा हूं, एक गर्म पवन है गल्फ स्ट्रीम, या ये गर्म पवन है गल्फ स्ट्रीम, गर्म पवन है और आपकी अटलांटिक महासागर में चलती है, भूमध्य सागर से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, इटली तक इसका प्रभाव रहता है, जर्मनी में भूमध्य सागर में नहीं, बल्कि ये पवन जो है इंग्लिश चैनल से होते हुए आगे बढ़ती है और जर्मनी तक इसका क्या रहता है, जर्मनी तक इसका प्रभाव रहता है। तो इसके द्वारा जर्मनी के तटवर्ती क्षेत्रों में, फ्रांस के तटवर्ती क्षेत्रों में, डेनमार्क के तटवर्ती क्षेत्रों में और इंग्लैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाती है, गर्मी सी महसूस होने लगती है। ठीक ना, गल्फ स्ट्रीम। हरा पवन दो प्रकार की हो गई हमारी, एक गर्म पवन और एक ठंडी पवन। गर्म पवन ऐसी पवनों कहेंगे जिनका टेम्परेचर अधिक है, और ठंडी पवन ऐसी पवनों कहेंगे जिनका टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे अगर हम गर्म पवन में बात करते हैं तो एक पवन है जिसका नाम है चिनूक,
कहीं पर इसका नाम चिनूक भी लिखा रहता है और कहीं पर इसका नाम चिनकू भी लिखा रहता है। तो चिनूक सही नाम है, चिनूक। यह चिनूक पवन जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है, रॉकी पर्वत के समांतर चलती है। तो रॉकी पर्वत के समांतर चलती है कहां पर? कनाडा और यूएसए में। और आप जान रहे हैं कि कनाडा जो है वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा तो यूएसए और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है, उससे भी आपको 49 डिग्री के ऊपर भी जाना है, लगभग आर्कटिक वृत्त के समीप, लगभग 60-65 डिग्री के समीप आप चलेंगे तो टेम्परेचर वहां पर बहुत कम होता है और वहीं पर एक पवन की उत्पत्ति होती है चिनूक, जो क्या करती है उन क्षेत्रों का टेम्परेचर बढ़ा देती है। पहले टेम्परेचर कम था, एक क्या करेगी उन क्षेत्रों का टेम्परेचर क्या करती है बढ़ा देगी, ठीक ना। उसी प्रकार फ्रांस के क्षेत्र में एक पवन चलती है जिसका नाम मिस्ट्रल पवन, ये फ्रांस में चलती है और फ्रांस में चलती है तो फ्रांस में गल्फ स्ट्रीम जलधारा या अन्य भी वहां पर जो पानी के माध्यम से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं वो जब वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं तो एक ठंडी पवन पहुंचती है और वहां का टेम्परेचर हिमांक से भी ये नीचे ले आती है। हिमांक ऐसे बिंदु को कहते हैं जहां पर ऐसे तापमान के बिंदु कहते हैं जहां पर पानी बर्फ में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है, हिमांक कहा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जहां पर केवल आपको मोटे मोटे तौर पर इतना याद रखना है कि जहां पर गर्म पवनें चलेंगी, जहां पर गर्म पवन चलेगी वहां का टेम्परेचर अधिक और जहां पर ठंडी पवनें चलेंगी वहां का टेम्परेचर कम। वहां का टेम्परेचर क्या होगा तो वहां का टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, बोलिएगा, ठीक है। अगला फैक्टर देखे आते हैं, अगला फैक्टर क्या है, प्रचलित पवन हो गई, बादल एवं वर्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बादल एवं वर्षा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा धरातल है और यहां पर मान लीजिए बादल है और बादल से ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर आपका सूर्य है। सूर्य के माध्यम से ऊष्मा आ रही है। यदि ये बादल हैं तो ये बादल क्या करते हैं, यह तो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में इस ऊष्मा को क्या कर देते हैं, कुछ इस ऊष्मा को क्या कर देते हैं परावर्तित कर देते हैं। तो कुछ मात्रा में अवशोषित करेंगे, कुछ मात्रा में परावर्तित करेंगे और कुछ मात्रा में यह ऊष्मा इन बादलों को चीरते हुए धरातल पर पहुंचेगी। और जब ये धरातल पर पहुंचेगी तो धरातल भी वही दो प्रक्रियाएं करेगा, या तो ऊष्मा को कुछ मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित भी करेगा, कुछ मात्रा में परावर्तित भी करेगा। अगर हम दिन की बात करें, पहले दिन की बात करते हैं तो दिन के समय में क्या करेगा, यह ऊष्मा को अवशोषित करेगा और कुछ मात्रा में ऊष्मा का परावर्तन करेगा। दिन के समय धरातल कुछ मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करेगा और कुछ मात्रा में इसका क्या करेगा परावर्तन। और वहीं अगर हम नाइट की बात करते हैं, अगर रात की बात की जाए तो रात में क्या होगा कि जो इसने ऊष्मा को अवशोषित कर लिया था, धरातल ने जिस ऊष्मा को अवशोषित कर लिया था उस ऊष्मा को अभी क्या करेगा, निष्कासित करेगा। रात के समय क्या करेगा, धरातल ऊष्मा को निष्कासित करेगा, ऊष्मा का निष्कासन करेगा। और जब रात्रि के समय यहां से, ये तो हमने दिन की बताई थी अभी कि बादल थे, मान लीजिएगा रात में भी बादल हैं, तो यदि रात में भी यहां पर बादल रहते हैं तो रात के समय जब यहां से ऊष्मा का क्या होगा, निष्कासन होगा, तो वायुमंडल में जो बादल पाए जा रहे हैं वह बादल क्या करेंगे, इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देंगे। जब इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देंगे तो यह ऊष्मा क्या करेगी, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर क्या कर देगी, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा देगी। जब भी आकाश में आपको बादल दिखाई देंगे, दिन के समय की बात कर रहे हैं, दिन के समय में या रात के समय में भी यदि आकाश में आपको बादल दिखाई देंगे तो सतह के द्वारा जो निष्कासित, रात के समय में निष्कासित और दिन के समय में जो परावर्तित ऊष्मा है उसे बादल बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जाने देंगे, गर्मी बढ़ा देंगे और ऐसी गर्मी को ही, ऐसे टेम्परेचर या इसी गर्मी को ही हम लोग भूलते हैं उमस भरी गर्मी। कौन सी गर्मी? उमस भरी गर्मी। आप कभी भी देखिएगा,
अगर बादल हैं तो आपको उमस लगेगी, उमस लगेगी, आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, चिपचिपाहट होती है आपको। क्या होती है? चिपचिपाहट होती है। तो वह किस कारण से होती है? कि जो वायुमंडल में क्या पाए जा रहे हैं? बादल। अब अगर यहीं पर हम बात करें, यदि स्वच्छ बादल, आकाश स्वच्छ रहे तो कुछ नहीं, तो ऊष्मा आएगी, अवशोषित करेगी और दिन के समय परावर्तित करेगी, सीधी सीधी वायुमंडल में चली जाएगी, और वहीं रात के समय में जो अवशोषित है उसका निष्कासन करेगी और वायु सीधी सीधी वायुमंडल में चली जाएगी। तो जब भी आपको रात में या दिन में जब आकाश में बादल नहीं होंगे तो आपको उमस भरी गर्मी या गर्मी का महसूस नहीं होता है, इसी को चिपचिपाहट गर्मी कहते हैं। तो उमस भरी गर्मी इसी को कहा जाता है, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और है, यहां पर बादल एवं वर्षा, ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की बारंबारता देखो, आमतौर पर विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्रों का विस्तार आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 10 डिग्री दक्षिण में, कहीं कहीं ऐसा, और कहीं पर विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा से 5 डिग्री दक्षिण। तो ये भी, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में दोपहर में 12 बजे के बाद बहुत भयानक रूप से वर्षा होती है, वहां पर वर्षा की बारंबारता अधिक है। तो 12 बजे तक का समय जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा मूसलाधार मात्रा में क्या होती है? वर्षा। तो अभी हमें केवल वर्षा समझना है, विषुवत रेखीय क्षेत्र को हम जलवायु प्रदेशों में पढ़ेंगे। तो जहां पर वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होने कारण धरातल को क्या मिल जाएगा? पानी अर्थात नमी मिल जाएगी, तो वहां का टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना। तो बादल एवं वर्षा इन दोनों को समझना है। समुद्री धाराएं नॉर्मल समझ लीजिएगा आप, दो प्रकार की समुद्री जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो जिस प्रकार पवन होती है, एक गर्म जलधारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का कंबल कहा जाता है इसे, यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में जर्मनी में फ्रांस में ये क्या करती है? वहां का टेम्परेचर क्या करती है? बढ़ा देती है। और वही ठंडी जलधारा की बात करें, जैसे किनारी जलधारा है, अगलुहास जलधारा है आपकी, किनारी जलधारा हो गई आपकी, पेरू जलधारा होगी, हम्बोल्ट जलधारा हो गई, तो ये जलधाराएं क्या करती हैं? ये जलधाराएं वहां का टेम्परेचर बढ़ा देती है। गर्म जलधारा अभी आगे बताएंगे आपको, हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी गर्म जलधारा हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है, इसलिए पूर्वी तटों पर वर्षा की बारंबारता अधिक होती है, क्योंकि जलधारा यदि गर्म है तो उस गर्म पानी, जलधारा मतलब पानी, जल पानी की राशि, पानी पानी की मात्रा, तो यदि गर्म जलधारा है, गर्म पानी है, तो वहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। और जहां पर ठंडी जलधारा होगी वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया ना होने के कारण वहां पर बादल नहीं बनते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराओं के पाए जाने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं होती है, परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में मरुस्थलों का विकास पाया जाता है, ठीक ना। तो आपको ये पवन समझाए हैं उसी संबंधित है। लंबी रातें, लंबी रातें, लंबी रातों का यहां पर मतलब है शीतकालीन रात। कब रातें लंबी होती हैं? शीतकालीन रातें। और शीतकाल की अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अलग अलग समय में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो दिसंबर के समय में शीतकाल होता है, 22 दिसंबर को मान लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, और यहां मान लेते हैं हम 21 जून को। तो जब भी शीतकालीन रातें होती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात होती है और ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे लंबी रात होती है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है लंबी रातों का मतलब शीतकालीन रातों से होता है, शीतकाल में रातें बहुत लंबी होती हैं। तो होता क्या है कि अगर शीत लंबी रातें हैं यहां पर तो मतलब शीतकाल, और शीतकाल में सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमें कम होगी। तो एक तो हमें शीतकाल में हम कह सकते हैं कि दिन की अवधि जो है वो कम है, और दिन की अवधि कम के साथ साथ सूर्य तप या सौर ऊर्जा, सूर्य तप की भी प्राप्ति क्या होती है? सूर्य तप की भी प्राप्ति क्या होती है? कम। अब यहां समझिएगा, जब धरातल को सूर्य तप की प्राप्ति कम हो रही है तो वह ऊष्मा का जो अवशोषण है, धरातल को जब सौर ऊर्जा की प्राप्ति ही कम हो रही है तो अवशोषण भी कम होगा। अब यहां पर अवशोषण कब हो रहा है ऊष्मा का? दिन में।
तो दिन में ऊष्मा का अवशोषण कम हो रहा है क्योंकि दिन की अवधि कम है और रात की अवधि अधिक होने के कारण रात में ऊष्मा का निष्कासन अधिक होगा, और जब रात में ऊष्मा का निष्कासन अधिक होगा, जब सतह से पूरी की पूरी ऊष्मा निकल जाएगी तो वो रातें, वो लंबी रातें किन रातों में बदल जाएंगी? शीतकालीन रातों में बदल जाएंगी। आमतौर पर आपको गर्मियों की भी बात करते हैं तो 2 बजे रात्रि के लगभग 12 या 2 बजे के बाद हमें गर्मियों में भी ठंडक सी महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि धरातल जितनी ऊष्मा को भंडारित किए रहता है, उसने दिन में जितनी ऊष्मा को अवशोषित किया था वो लगभग लगभग 12 या 2 बजे तक वो संपूर्ण ऊष्मा को लगभग लगभग संपूर्ण ऊष्मा को निकाल चुका होता है। इसलिए जब ऊष्मा नहीं रहेगी पदार्थ में या सतह पर, जब ऊष्मा नहीं रहेगी तो वो सतह अपेक्षाकृत कैसी पाई जाएगी? ठंडी पाई जाएगी। एक बार मैं फिर चीजों को समझा रहा हूं, समझिए। लंबी रात यानी शीतकालीन रातें 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में लंबी रात होती है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। लंबी रातें अगर हैं तो दिन की अवधि यहां पर कम होगी, और दिन की अवधि कम है तो सूर्य तप की प्राप्ति भी कम होगी। भाई सूर्योदय होता ही 9 बजे है और सूर्यास्त भी 5 बजे हो जाता है, 9 से 5 का समय आप देख लीजिएगा। अगर सूर्य तप की प्राप्ति कम हो रही है तो अवशोषण कम करेगा धरातल। अवशोषण तो यहां पर दिन में कम है क्योंकि शीतकालीन रातें हैं, लंबी रातें हैं, तो रात में ऊष्मा का पर्याप्त मात्रा में या पूर्णतः ऊष्मा का यहां से निष्कासन हो जाएगा, और जब ऊष्मा का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाएगा तो इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कम टेम्परेचर को ही शीतकालीन रात कहा। कम टेम्परेचर को ही ऐसी रातें हैं जिनका टेम्परेचर कम होगा उन्हीं को शीतकालीन रातें कहेंगे। तो शीतकालीन रात मतलब लंबी रात, यह लंबी रात मतलब शीतकालीन रात। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं पॉइंट, स्वच्छ आकाश बता ही चुका हूं मैं। यदि आकाश में बादल नहीं होंगे, यदि आकाश में बादल ना होते तो संपूर्ण मात्रा में ऊष्मा आती, धरातल कुछ को परावर्तित करता, कुछ को अवशोषित करता, और रात में बादल नहीं रहेंगे, रात में भी स्वच्छ आकाश रहेगा, तो जो उसने ऊष्मा को अवशोषित किया था वह संपूर्ण ऊष्मा को क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। यानी जब स्वच्छ आकाश होगा, जब अवशोषण और परावर्तन का दर लगभग कैसा होगा? एक समान होगा। जितना ग्रहण करेगी पूरा का पूरा क्या करेगी? लौटा देगी धरातल। ठीक ना। अगला पॉइंट देखते हैं, और क्या है पॉइंट? एक है हिमाच्छादन, इसको आप यहां से जोड़ लीजिएगा अच्छा से, हिमाच्छादन। ठीक है, यहां समझिएगा, हिम, यहां पर हिम की बात की जा रही है। हिम जो है इसका रंग की बात करते हैं तो रंग इसका कैसा होता? सफेद होता है। और ये हिम जो है वो कैसा होता है? ये चिकना होता है। और कैसा होता है? साथ ही साथ हिम आपकी साफ भी होती है। ठीक ना, एकदम स्वच्छ पाई जाएगी हिम। तो रंग सफेद, चिकना और साफ सतह है, तो सीधी सी बात है यहां से परावर्तन क्या होगा? परावर्तन अधिक होगा। और अगर परावर्तन अधिक होगा तो अवशोषण कम होगा, और परावर्तन यदि अधिक होगा तो ऊष्मा को ग्रहण कम करेगी, और कम ग्रहण करेगी तो तापमान कम होगा। यानी जिन क्षेत्रों में हिम पाई जाएगी उन क्षेत्रों का तापमान अपेक्षाकृत क्या पाया जाएगा? अपेक्षाकृत कम पाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में तापमान होगा उन क्षेत्रों का तापमान क्या है? वो अपेक्षाकृत कम पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में हमने एक ही बात समझी कि तापमान क्या है और उस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर आपको इतनी सारी चीजें पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को मिलाकर समझ में आ गई तो अब देखिएगा आप, सौर ऊर्जा की प्राप्ति किस अनुपात में होती है, कितनी ऊष्मा आती है, कितनी ऊष्मा चली जाती है, यानी सौर बजट, इसको आप बहुत अच्छे समझ लेंगे। वायुमंडल की दशाएं आप समझ लेंगे, मौसम समझ लेंगे, यहां तक कि आप जलवायु प्रदेश को भी अच्छे से समझ लेंगे अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। मैंने पूरी उम्मीद की है, पूरी आशा की है आपसे कि आप लोगों को चीजें मैं समझा पाऊं, और मैंने पूरा इसका प्रयास भी किया है, और आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली क्लास में उसका यथाशीघ्र मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।